हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ए आर फारूक खान और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 10। तो लेक्चर 10 में मैं आज जो जनरल मिसकंसेप्शन होता है कलर्स के बारे में और जो एक डिफरेंस है जिसको समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर 10। तो अब तक जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बोला था कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होता है रेड, येलो, ब्लू एंड यानी कि या रंग दुनिया बड़ी गोल है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो रियल प्राइमरी कलर्स हैं वो ये है ही नहीं, रेड, येलो एंड ब्लू। अगर मैं आपसे मना कर दूँ कि रियल प्राइमरी कलर्स जो कि हमने पढ़ा था कि रेड, येलो एंड ब्लू हैं और वो है ही नहीं, तो चलिए इस सवाल का जवाब आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्या जो मैंने आपसे कहा था कि येलो, रेड एंड ब्लू, क्या वो प्राइमरी कलर्स नहीं हैं? और अगर है तो क्या वो रियल प्राइमरी कलर्स नहीं हैं? एक मिनट, थोड़ा सा हम चलिए। तो देखिए, तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि रियल प्राइमरी कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू वो भी हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल है कौन सा? क्या सभी रियल हैं? क्योंकि आपने सुना होगा RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आपने सुना होगा CMYK, आपने सुना होगा येलो, रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो रियल है? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। देखिए यहां पे दिया गया है, मैं आपको पहले पढ़ के बताऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। इफ यू आस्क अ फिजिसिस्ट, अगर आप किसी फिजिसिस्ट से पूछते हैं व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, कि प्राइमरी कलर्स क्या है, दे वुड आस्क यू, वे आपसे पूछेंगे आर यू टॉकिंग अबाउट लाइट और पेंट, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली मेरे से पूछा होता, जो आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, और कोई आपसे भी पूछता, तो आप बोलते हैं यार आप येलो, रेड एंड ब्लू ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। बट एक जो फिजिसिस्ट है वो आपसे पूछेगा कि आप लाइट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द आंसर इज डिफरेंट फॉर लाइट एंड पेंट बट ब्यूटिफुली कनेक्टेड। जो जवाब है वो लाइट और पेंट दोनों के लिए अलग है, लेकिन खूबसूरती से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो फिजिसिस्ट आपसे क्या बोलेगा कि भाई आप लाइट के बारे में पूछ रहे हो या पेंट के बारे में पूछ रहे हो? क्योंकि जब हमने इसका आंसर दिया तो हमने केवल डायरेक्टली बता दिया येलो, रेड एंड ब्लू, बिना उसको पूछे कि आप लाइट के बारे में बात कर रहे हो या आप पेंट के बारे में बात कर। तो चलिए तो मैं आपको बताता हूं, द रियल प्राइमरी कलर्स ऑफ पेंट आर नॉट रेड, येलो एंड ब्लू एज टॉट इन स्कूल अंटिल यू रीच फिजिक्स, बट रादर सियान, येलो एंड मैजेंटा, ठीक है। तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है, द रियल प्राइमरी कलर्स ऑफ पेंट आर नॉट रेड, येलो एंड ब्लू, कि पेंट के जो रियल प्राइमरी कलर्स हैं वो येलो, रेड एंड ब्लू नहीं है यार, अब जो हम पढ़ते थे वो नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, जब हमने फिजिक्स को पढ़ा तो हमें पता चला सियान, येलो एंड मैजेंटा ये हमारे रियल प्राइमरी कलर्स हैं पेंट के, ठीक है। यू माइट रिकग्नाइज दीज एज द कलर्स ऑफ इंक यू बाय विथ ब्लैक टू पुट इनटू कलर प्रिंटर्स एंड कॉपियर्स, ठीक है।
चलिए तो ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप ये याद रखो कि अगर आपसे पेंट के बारे में पूछा गया कि पेंट के आपको रियल प्राइमरी कलर्स आपको बताना है, रियल प्राइमरी कलर्स ऑफ पेंट, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रेड येलो एंड ब्लू, आप बोलोगे सियान येलो एंड मैजेंटा। ये आपके पेंट के रियल प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब ये आप कहाँ यूज करते हो, आप आपने आपके घर पे अगर प्रिंटर है ठीक है, तो आपने देखा होगा कि प्रिंटर की जब इंक खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर इंक पुट करते हैं ठीक है। और वो इंक का क्या काम करती है, वो इंक हमें कलर प्रिंट आउट निकाल के देती है ठीक है। तो हम तो ये और हाँ ठीक है। तो अब उस इंक में क्या क्या आता है, उस इंक में देखो ब्लैक भी आता है ठीक है। तो CMYK, तो सियान मैजेंटा एंड येलो, और उसमें ब्लैक भी आता है, बट जब प्राइमरी कलर्स की बात हो तो सियान मैजेंटा एंड येलो ही होंगे। देखिए ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब द रियल प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट ठीक है। अब लाइट आई ठीक है, लाइट आप ऐसे मान लो जैसे सूरज से आने वाली जो लाइट है वो। अब उसके क्या है, उसका जो कलर है वो है RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है। इफ यू कुड मैग्निफाई द पिक्सल्स ऑन अ वाइट सेक्शन ऑफ द स्क्रीन यू आर करंटली लुकिंग एट, यू वुड सी रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स विच आर क्रिएटिंग द वाइट कलर योर ब्रेन सीज। देखिए ये कह रहा है कि लाइट के जो प्राइमरी रियल प्राइमरी कलर्स हैं वो है आपका RGB, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप पिक्सल्स को मैग्निफाई कर सकते ठीक है, इफ यू कुड मैग्निफाई द पिक्सल्स और अ वाइट सेक्शन ऑफ द स्क्रीन, कोई भी आप एक वाइट सेक्शन ले लो, आपको स्क्रीन देखो वाइट दिख रही है ये ठीक है, जो भी आपको वाइट दिख रहा है वो आप ले लो, और अगर आप उसके जो पिक्सल्स हैं वो मैग्निफाई कर सकते हो, मैग्निफाई मतलब आप उनको जूम कर सकते हैं मैग्निफाई करके, मैग्निफाइंग ग्लास होता है ना बहुत, हम उसको जूम इन कर लेते हैं ठीक है। तो आप इस पे करंट स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखता, आपको RGB दिखता, रेड ग्रीन एंड ब्लू ये लाइट्स आपको दिखती हैं ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलके वाइट बनाती हैं ठीक है। आप एक चीज समझ रहे हैं कि लाइट है, लाइट के तीन प्राइमरी कलर्स हैं RGB यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, और जब रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों आपस में इक्वल क्वांटिटीज में मिलते हैं तो वो वाइट कलर प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। The cones in your eye which detect color are generally sensitive to red, green and blue light। ये कह रहा है कि आपकी आंखों के जो कोन्स हैं, the cones in your eyes ठीक है, जो कलर को डिटेक्ट करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं कलर को, तो वो क्या होता है जनरली आमतौर पर सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, RGB के लिए ठीक है। जब RGB लाइट उनको दिखती है तो उसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ठीक है। तो डिड यू नोटिस द कलर ऑफ द फ्लड लाइट्स एट द विंटर हेवन लाइट फेस्टिवल वर रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है। तो वो हमने देखा नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे ठीक है। चलिए बट हाँ मैं आपको ये समझा पाऊंगा ठीक है। यू कैन प्ले विद अ PHET सिम्युलेशन कॉल्ड कलर विजन ठीक है। आप PHET सिम्युलेशन को देख सकते हो ठीक है, आप उसके साथ प्ले कर सकते हो ठीक है। और इस PHET सिम्युलेशन को कलर विजन भी कहा जाता है, टू बेटर अंडरस्टैंड, और आप इससे ज्यादा अच्छा समझ सकते हो हाउ दिस वर्क्स, ये काम कैसे करता है। बिलो
इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द सिमुलेशन, ठीक है। नीचे एक स्क्रीनशॉट दिया गया है सिमुलेशन से, शोइंग, जो ये दिखाता है, शोइंग दैट वन ऑल थ्री कलर्स आर ऑन, कि जब तीनों कलर ऑन है, चालू है, रेड यानी कि RGB, रेड ग्रीन प्लस ब्लू, तो इससे क्या होता है, मेक्स योर आईज सी वाई, तो ये आपकी आंखों को सफेद दिखाता है। देखो आप ऐसे समझो, ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये एक मान लो आपकी रेड टॉर्च है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी ग्रीन है और ये आपकी ब्लू, तो RGB, ठीक है। तो अब यहां से हमारी आंखों की तरफ क्या आई, रेड लाइट, ग्रीन बटन ऑन है, ग्रीन आई, और यहां से ब्लू आई, आंख के पास गई, और जो हमारी आंख का जो कोन है वो किसको डिटेक्ट करता है, वो इन थ्री कलर्स के लिए सेंसिटिव है, यानी कि RGB के लिए। और जब ये तीनों मिक्स होते हैं तो वो हमें क्या शो कराता है, व्हाइट कलर। ये तीनों हमारी आंखों पे गए और हमें क्या शो हो रहा है, ये देखो, ये व्हाइट को शो कर रहा है, कि मैं व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, व्हाट कलर डू यू सी इफ योर आई इज जस्ट स्टिम्युलेटेड बाय रेड एंड ग्रीन लाइट, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर दिखता है, व्हाट कलर डू यू सी इफ योर आई इज जस्ट स्टिम्युलेटेड बाय रेड एंड ग्रीन लाइट, अगर आपकी आंख जो है स्टिम्युलेटेड है रेड और ग्रीन से, ठीक है। अगर मैं रेड और ग्रीन हमें दिखाई देता है हमारी आंख पर, जाइए, ये गया रेड और ये गया ग्रीन, और यहाँ ब्लू जो है वो बंद है, तो रेड और ग्रीन, तो हमें क्या दिखेगा, येलो, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से ये देख, ये एक कोई इमेज दिखाता हूँ, ये रहा, देखो RGB हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लाइट के बारे में, और अच्छा देखता हूँ कोई इमेज, ये रहा, देखो रेड, ठीक है, आपको मैंने बताया कि रेड क्या है, लाइट का प्राइमरी कलर है, ठीक है। अब रेड और ग्रीन को हमने मिक्स किया, ठीक है, मैंने आपको बताया उसमें कि जो हमारी ब्लू वाली जो टॉर्च है वो बंद है, तो रेड और ग्रीन मिक्स हुआ, तो रेड प्लस ग्रीन तो क्या बना, येलो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, येलो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो हमें येलो दिखता है। व्हाट कलर डू यू सी इफ योर आई इज स्टिम्युलेटेड बाय ग्रीन एंड ब्लू लाइट, अब ग्रीन एंड ब्लू, तो ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, तो उससे क्या बनेगा, सियान बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला उसने, कि ग्रीन और ब्लू लाइट को मिलाना है, तो ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, तो क्या बना, सियान, ठीक है, ठीक है। ये रहा, देखो ये ग्रीन और ये ब्लू, आई के कोने इसको डिटेक्ट किया, और ये हमें कैसा दिखता है, इन दोनों का मिक्सचर, ये हमें दिखता है सियान, ठीक है। व्हाट कलर डू यू सी इफ योर आई स्टिम्युलेटेड बाई रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू, अब हमने क्या किया, ग्रीन को बंद कर दिया, तो रेड टॉर्च जली, आंखों पर गई, ब्लू मिला, तो ये क्या बना, क्या बना, किसको मिला, रेड और ब्लू को मिलाया, तो रेड और ब्लू को मिलाया, तो क्या बना, मैजेंटा है, ठीक है। चलिए ये और अच्छी मैं देखता हूँ, ये रहा रेड और ये ब्लू, रेड और ब्लू को मिलाया, तो ये क्या बना, ये मैजेंटा बन गया हमारा,
ठीक है। अब देखिए, डिड यू नोटिस द कलर्ड शेडोज फ्रॉम द हार्ट, सी पिक्चर बिलो, व्हेन ऑल थ्री कलर्ड लाइट्स वर ऑन एट द विंटर हेवन लाइट फेस्टिवल, डू यू सी येलो सियान एंड मैजेंटा शेडोज? हाँ दिखाई दे रहा है यार, ठीक है। येलो बना था हमने, मिलाया था, ओके। सियान भी बना और मैजेंटा, तीनों मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, तो बस अब जो चीज थी वो मैंने आपको समझा दी। अब कनेक्शन क्या है, देखो, द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर आरजीबी, ठीक है, लाइट के पूछेगा तो आरजीबी है, और सेकेंडरी कलर्स क्या बना था, सियान येलो एंड मैजेंटा, ये बना था। याद रखना कि जो कलर व्हील हमने पढ़ा था, येलो, जिसमें वाई आर बी जो है प्राइमरी कलर था, वहां पर येलो प्राइमरी कलर था, पर यहाँ पर येलो लाइट के जब बात होती है तो येलो प्राइमरी कलर नहीं है, येलो एक सेकेंडरी कलर है, ठीक है। और द प्राइमरी कलर्स ऑफ पेंट, और पेंट की बात करोगे तो पेंट के मामले में सियान येलो एंड मैजेंटा आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, और जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं पेंट के वो होते हैं आरजीबी, ठीक है। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो कि जब लाइट के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसके प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। क्या है? रेड ग्रीन एंड ब्लू। और प्राइमरी कलर पेंट के क्या है? पेंट से आप प्रिंटर याद रखो, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पेंट की बात आती है तो प्रिंटर याद रखता हूँ, और सियान मैजेंटा और येलो मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है। और जब लाइट की बात आती है तो ये मैंने ऐसे याद कर रखा है कि आरजीबी, लाइट मतलब आरजीबी, ठीक है। और देखो, जो लाइट के प्राइमरी कलर्स है ना आरजीबी, वो पेंट के सेकेंडरी कलर्स है आरजीबी, ठीक है। और जो पेंट के सेकेंडरी कलर्स हैं, ठीक है, जो पेंट के सेकेंडरी कलर्स है आरजीबी, वो लाइट के प्राइमरी कलर्स है, ठीक है। ये इनमें जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मुझे लगता है आपको अच्छे समझ। और अच्छा, एक बात और कि जब हम इन तीनों कलर्स को, ठीक है, इन तीनों कलर्स को इक्वल में मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है? व्हाइट। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब रेड ग्रीन एंड ब्लू को हम मिलाते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखता है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको, देखो जैसे ये है, अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो पेंट होते हैं ना, तो इन जैसे, ठीक है, CMYK के होता है, तो पेंट मतलब प्रिंटर, प्रिंटर मतलब पेंट, तो पेंट के जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं सब्ट्रैक्टिव कलर्स, ठीक है। और लाइट, लाइट के जो कलर्स होते हैं हम उनको एडिटिव कलर्स मानते हैं, ठीक है। अब देखो, जो लाइट है ये टॉर्च है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट को मिक्स करते हैं, और लाइट को मिक्स करते हैं तो हमें आरजीबी इसको बोलते हैं। तो आरजीबी क्या है? रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और पेंट या इंक इसके क्या है? CMY, इनको क्या बोलते हैं? वो सब्ट्रैक्टिव कलर बोलते हैं, सियान मैजेंटा एंड येलो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट के प्राइमरी कलर्स कौन से? आरजीबी, और पेंट के कौन से हैं? CMY, ठीक है। तो और तो ज्यादा कुछ नहीं, ये आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला टाइप बना के, कि रेड और ग्रीन को मिलाया तो, और ब्लू को मिलाया, आरजीबी तीनों को मिलता है तो हमें व्हाइट मिलता है। ये रहा, रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों को मिलाया तो बीच में हमें व्हाइट मिला।
और जब मैं रेड और ग्रीन को मिलाता हूँ तो मुझे येलो मिलता है, ठीक है यहाँ पे। और जब मैं ग्रीन और ब्लू को मिलाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सियान मिलता है, ठीक है। और जब मैं रेड और ब्लू को मिलाता हूँ तो मुझे मैजेंटा मिलता है, यहाँ पे लिखा रेड और ब्लू, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मैजेंटा। और ये क्या है, आरजीबी। आरजीबी क्या होता है, एडिटिव कलर्स होते हैं, तो एडिटिव कलर मिक्सिंग विद रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और आरजीबी क्या है, प्राइमरी कलर्स है। और ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी रेड कवर्स द लॉन्ग वेवलेंथ, जो रेड होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ्स को कवर करता है, जबकि जो ब्लू होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ्स को कवर करता है, ठीक है। और प्राइमरी ग्रीन कवर्स मिडिल वेवलेंथ्स, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रेड कलर होता है, ठीक है, तो जब कभी भी ट्रेन होती है तो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए हम जब कहीं भी मतलब रेड को सिंबल माना जाता है खतरे का, तो रेड तक क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्ग वेवलेंथ है, तो हमें दूर से ही वो दिखाई देता है, इसलिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्रीन जो है मिडिल है, और ब्लू है उसका सबसे कम है, आरजीबी, ठीक है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि आरजीबी एडिटिव है, और CMY ये प्राइमरी कलर्स हैं किसके, पेंट के, और ये सब्ट्रैक्टिव होता है CMY के, ठीक है। लाइट लाइट के प्राइमरी कलर्स आरजीबी होता है, सेकेंडरी कलर्स CMY होता है, सियान मैजेंटा येलो। और ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो उसको फिर से रिमाइंड कर, इसको एक बार वीडियो दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहली बात कि जो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ रब येलो रेड एंड ब्लू की दुनिया बड़ी गोल है, वो कलर व्हील था, उसके कलर्स को हम अभी तक येलो रेड एंड ब्लू को प्राइमरी कलर्स मानते थे। लेकिन जब हम एक फिजिसिस्ट के पास आए, हमने अपनी पढ़ाई को आगे किया, ठीक है, हम आगे बढ़ते गए जिंदगी में, फिजिसिस्ट से पूछा तो उसने हमें बताया कि आप, उसने हमसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन किया कि आप लाइट के बारे में बात कर रहे हो या आप पेंट के बारे में बात कर रहे हो। और जब हमने ये कहा कि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिसिस्ट ने ये कहा कि अगर आप लाइट के बारे में बात कर रहे हो तो आपके जो प्राइमरी कलर्स हैं वो है आरजीबी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। और अगर आप पेंट के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा CMY, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आई हमें। तो कुल मिला के ये है कि जो हमने पढ़ा था कि येलो रेड एंड ब्लू वो प्राइमरी पेंट के प्राइमरी कलर्स नहीं है, जो रियल प्राइमरी कलर्स है पेंट के वो है CMY, ठीक है। और रियल प्राइमरी कलर्स लाइट के क्या हैं, आरजीबी, ठीक है। अब जो आरजीबी का प्राइमरी कलर, सॉरी, जो अब आरजीबी जो होता है वो एडिटिव होते हैं, और जो CMY के होता है वो सब्ट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। जब हम लाइट के प्राइमरी कलर यानी कि आरजीबी की बात करते हैं, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू को जब तीनों को इक्वल प्रपोर्शन में क्वांटिटी में आप मिलाते हो, तो हमारा जो आईकॉन है वो, हम उसको अपने माइंड में, हमें वो वाइट दिखता है, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि रेड ग्रीन एंड ब्लू को अगर इक्वल क्वांटिटी में मिलाए तो हमें व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो आरजीबी के प्राइमरी कलर्स हैं वो पेंट के सेकेंडरी कलर्स हैं, और जो पेंट के सेकेंडरी कलर्स हैं वो आरजीबी के प्राइमरी कलर्स हैं, ये इन दोनों में कनेक्शन है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आई है तो
आप मुझे मैसेज कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा।